हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अश्वनी। आप देख रहे हैं टैलेंटेड अश्वनी ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ अपने क्यूट रैबिट की क्यूट वीडियोस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे पोज मैंने ले रखे हैं, तो इनके सोते हुए, इनके खेलते हुए, अलग अलग तरीके से मैं इनकी लेकर आया हूँ। ये जब छोटे हैं, ये करीब एक महीने के हैं, और इनके आप साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी क्यूट खरगोश हैं। तो ये अभी बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि इनके बड़े होने पर सभी तरीके की वीडियो आपको लेकर आऊँगा। इनको कैसे सेफ रखना है, इनको पालने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इनको पालना कितना आसान है या कठिन है। अभी आप देख सकते हैं, ये एक घास खा रहे हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर खा रहे हैं। काफ़ी क्यूट लगता है, और ये ज़्यादा वैसे शांत स्वभाव के होते हैं, शोर शराबा घर में नहीं करते हैं। आपको सभी को पता होगा जिन्होंने पाले हैं, और जिन्होंने नहीं पाले हैं तो आप देख सकते हैं, इनको मैंने पेटी में बॉक्स बना दिया था जिसमें ये छोटे थे अभी, और थोड़ा ठंड का मौसम भी था। ये वीडियो पहले की बनी हुई है, बट अब इसको अपलोड मैं अब कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो कंबल था वो मैंने बिछा दिया था, जिससे कि इन्हें ठंड वगैरह ना लगे। अब तो रैबिट काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब, क्योंकि 3-4 महीने के हो चुके हैं इस टाइम, तो उसका भी ब्लॉग मैं ले आऊँगा जल्दी। तो आप देख सकते हैं अब इसमें कैसे, आप इसमें झाँक झाँक कर देख रहे हैं ये, कि इनको बाहर निकलना है। अब ये एक निकलेगा इसमें से पहले, फिर दूसरा निकलेगा। तो वीडियो को मैंने बहुत सारा कट कर दिया है, जिसकी वजह से वीडियो लॉन्ग ना हो। तो आप देखिए इनकी क्यूट सी मस्ती को, तो आप देख सकते हैं कि देखो झाँक रहा है ये इसमें से, इसमें झाँकने के बाद ये इधर को निकल आएगा, एक को देख कर दूसरा भी बाहर निकल जाएगा। उस टाइम ठंड का मौसम था जब इनको मैं लेकर आया था, हल्की हल्की ठंड थी, जनवरी का महीना था, तो तब इनको लेकर आया था मैं। और अब तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल लास्ट है, तो ये निकला रैबिट बाहर। तो इनका नाम जो है, वो इनका नाम जो मैंने रखे हैं वो चुन्नू मुन्नू रखे हैं, जबकि एक मेल है और फीमेल है, लेकिन नाम मैंने चुन्नू मुन्नू रखे हुए हैं इनके, तो हम चुन्नू मुन्नू कहकर ही बुलाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोबारा कोशिश करेगा वो, फिर से बाहर आएगा और एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ हसीन पलों को मैंने रिकॉर्ड किया है, तो और भी मैंने वीडियो काफ़ी सारी रिकॉर्ड की हुई हैं, जिनको आने वाले ब्लॉग्स में अपलोड करूँगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। और बेल को दबाने के बाद आपको ऑल सेलेक्ट कर देना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें वीडियो की। फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आई, या आप देख सकते हैं कि ये निकल के बाहर आ चुका है, अब दूसरा वाला भी बाहर आ जाएगा इसी प्रकार से। या दूसरा वाला भी ये सोच रहा है वो वाला कहाँ गया, मेरा जुड़वान, मेरा जोड़ीदार। अब इसमें अभी ये नहीं पता था कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो बट क्योंकि इनके हमने कोई पहचान नहीं बनाई थी, लेकिन आप देखकर मैं बता सकता नहीं, ऐसे नहीं बता पाऊँगा कि कौन सा मेल था या कौन सा फीमेल है। बट अब हम जान चुके हैं कि इनमें कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि शुरू शुरू में पहली बार खरगोश पाले हैं, तो मुझे जानकारी नहीं थी कि इसमें कैसे पहचान वगैरह होती है। बट मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी, तो मुझे सारी नॉलेज मिल गई इनके खाने पीने से लेकर रहने तक की। अभी मैंने इनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, अब घर पे जी आराम से खाते हैं। घास ला देते हैं, घास है, धनिया है, खीरा हो गया आपका, और ये देखो लुढ़कने वाला, लुढ़कते वह गिर गया, अब ये बाहर आ गया, ये आप देख सकते हैं। अब ये धनिया खा रहे हैं, इस टाइम धनिया रख दिया, धनिया बहुत चाव से खाते हैं इन्हें, धनिया तो आप कितना ही खिला लो। और धनिया सस्ता भी होता है, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो मिल जाएगा आपको, जहाँ से 20 रुपये किलो। अब गर्मी जैसे जैसे स्टार्ट हो गई है, तो आप महंगा देखने को मिलेगा, बट उस टाइम तो अभी तक जो धनिया ही खा रहे हैं, और घास भी खूब चाव से खाते हैं, और धनिया भी, धनिया घास रखी होगी तो ये सोते हुए क्या सोच है इनका, ये सो रहे थे आराम से, धूप में मैंने इन्हें सुला दिया था, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, इस वजह से पेटी में मैंने सुला दिया, ये सो गए। इनके लिए मैंने एक बॉक्स बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेटी बनाई मैंने, इसमें मैंने दो खाने बनाए थे, और दोनों को खोल दिया था मैंने, तब कि ऊपर से इसमें हम एक तरफ घास रखते थे, एक तरफ धनिया रखते थे, और जिससे कि ये गंदगी वगैरह बाहर ना करें, तो ये पेटी के अंदर ही खाते थे, और पेटी के अंदर ही ये पोटी वगैरह करते थे, क्योंकि इन्हें खाते टाइम ही पोटी करना काफ़ी पसंद होता है, खाते टाइम ही ये पोटी करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर बिठा दिया था इन्हें, दूसरा वाला भी है, एक को एक में बिठा लिया था, एक को दूसरे में, तो अब ये इसमें से निकल के भाग जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
इनकी काफ़ी अच्छा लगता है इनको, इनके बाल को सहराना, इनको पुचकारना। और ये खोलने का है, यहाँ से ये अपने आप ही अंदर चले जाते थे, अपने आप ही बाहर आ जाते थे, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी इनके लिए खोल के बिठाने। और अब तो ये इतने शैतान हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ब्लॉग में आप खुद देख लीजिएगा, देख सकते हैं आप। एक तरफ मैंने धनिया वगैरह धनिया रखा हुआ है और एक में घास रखी हुई है। तो अब इन्हें जब घास खानी होती है तो घास वाले में दोनों चले जाते हैं, और धनिया खाना होता है धनिया वाले में चले जाते हैं। इस तरीके से मैंने एक पेटी बना रखी थी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऊपर से भी चले जाते थे, ज़्यादातर ये नीचे से ही अंदर घुसते थे। उस टाइम छोटे थे तो आप, ये ज़्यादा नहीं है, एक डेढ़ महीने के थे उस टाइम पे, क्योंकि वीडियो मैंने काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग टाइम पे शूट करी है, 15-15 दिन की वीडियो। अभी ये देखिएगा अंदर जा रहा है इसके इस तरीके से। तो खरगोश पालने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपके पास थोड़ा सा जगह होना चाहिए, बाकी अपने घर में घूमते रहेंगे चारों तरफ। बस आपको बिल्ली वगैरह से, या आपके घर में जैसा कुत्ता है, बिल्ली है, या बंदर वगैरह ना आते हों तो आपके पास ये आराम से रह सकते हैं, खास करके बिल्ली वगैरह। आपके बाकी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आराम से घर में पाल सकते हैं। और इनके जब इनके बच्चे हो जाएंगे बेबी, तो आप मुझसे ले भी सकते हैं, अगर मेरे सिटी के हैं तो मैं आपको फ्री में गिफ्ट भी कर दूंगा अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँगा, जिससे कि आप इनके जो बेबी जब हों, अभी तो ये छोटे हैं, अभी लगभग 3-4 महीने के हैं ये, लगभग अभी 8-9 महीने के बाद इनके बेबी होंगे, 4-5 महीने बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अब अप्रैल लास्ट में अपलोड कर रहा हूँ, तो लगभग आप अप्रैल के हिसाब से मंथ लगा लीजिएगा, 4 महीने बाद तो उनके बेबी जब होंगे तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। मैं वीडियो डाल दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं घास खा रहा है, एक धनिया खा रहा है, धनिया देखिए एक तरफ घास पड़ी है, वो कैसे लेट लेट के खा रहे हैं नालायक। धनिया बहुत चाव से खाते हैं ये, या आप देख सकते हैं धनिए को तो ऐसे खाते हैं समझ लीजिए, बैठे बैठे हिल हिल के ना, लेट लेट के खाते हैं। अब तो ये बहुत नौटंकी करते हैं, इनकी काफ़ी सारी वीडियो मैंने आप बना रखी हैं जिनको मैं अपलोड करूँगा। अभी सो रहे हैं, देखो अभी सो के उठेगा और फिर आके वापस सो जाएगा, और इनमें एक दूसरे के ऊपर पास में चिपक कर सोते हैं दोनों के दोनों। इन्हें और जरा सी भी उन्हें पता लगता है कि हिल बॉक्स हिला, या कि इनके पास में आर्ट होती है, तो एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं, बहुत चौकन्ने सोते हैं ये। आप एक मिनट को जरा सी भी उंगली भी अगर खट से बजाएंगे ना तो भी ये उठ के बैठ जाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्मॉल हैं, अभी बच्चे हैं ये, बेबीस हैं, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं ना, तो ऐसे क्यूट अब तो बहुत बड़े हो गए। ये देखिए एक रखवाली कर रहा है और एक सो रहा है आराम से पैर फैला के, कैसे सो रहे हैं दोनों क्यूटपन से। इनके बहुत हसीन पल मैंने रिकॉर्ड किए हैं, और आगे वाले ब्लॉग में भी काफ़ी सारे हसीन पल। ये पेटी के ऊपर ही बैठ के खा रहा है। अब नालायक धीरे धीरे काफ़ी बड़े होते गए हैं ये, तो उनके शुरू से लेकर बचपन से लेकर अब तक की ये वीडियो मैंने बनाई थी, जो आज की इस वीडियो में सभी कुछ मैंने पॉइंट दिखा दिए हैं। और ये एक बीमार भी हो गया था, उसको मैंने दवाई भी खिलाई थी। अब ये देखिएगा इसमें एक उठेगा, सो रहा है, सोते सोते उठेगा, फिर वापस आके लेट जाएगा। सबसे इनका क्यूट पन मुझे अच्छा लगा, ये देखिए ये उठा, उठ के वापस लेट जाएगा। पता नहीं इसे क्या कुछ कीड़े वगैरह ने काट लिया, क्या हुआ। अब ये देखिए वापस दोबारा सो जाएगा पैर फैला के। ये देखिए लेट गया। वही कितने क्यूट से लगते हैं ना। हो सकता है आपको भी ये वीडियो देखने के बाद आपको शौक़ चढ़े खरगोश पालने का, बट मुझे शौक़ था कि इन्हें मैं लेकर आऊँ, तो मैं इनको लेकर आया। और मैंने इन्हें परचेज़ किया था 500 रुपये का जोड़ा लेकर आया था मैं। आपको रियल बात बताऊँ, मैंने बरेली से जो लगाते हैं बाहर, आप जाएंगे कुतुब खाने की तरफ तो वहाँ पर जो बाहर लगा कर बैठते हैं, मैंने वहाँ से ख़रीद के लाया था इनके लिए 500 रुपये का जोड़ा, तो उन्होंने 500 रुपये का दिया था। बाकी बहुत से लोग बता रहे थे मुझे कि कम का भी मिलता है, ज़्यादा का भी मिलता है, बट मैं 500 का ख़रीद के लाया था, आपसे झूठ नहीं बोल रहा। हो सकता है मैं ठगे आया हूँ, वो मुझे वाकई में ये लग रहा था कि मैं कम अगर करता तो 400 रुपये या 450 या 300 350 तक दे देते। बहुत से लोग बता रहे थे ज़्यादा महंगे नहीं, 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये तक मिल जाते हैं,
ये देखिए केला भी खा रहे हैं, इनको केला वगैरह है, केला है, आप सेब खिला सकते हैं, और क्या नाम है, वाटरमेलन है, आप कुछ खिला सकते हैं इन्हें, अंगूर भी बहुत चाव से खाते हैं, मैंने इन्हें अंगूर भी खिलाए हैं, अभी फ़िलहाल केला खा रहे हैं, खाते ज़्यादा नहीं है, खाते बहुत कम कम है, थोड़ा खाएंगे फिर घूमे आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद खा लेंगे। वो गाजर हो गई, गाजर अब तो गाजर में स्वाद नहीं है इस टाइम, तो गाजर भी बहुत चाव से खाते थे ये, कैसे देखिए आराम से पूरा केले का करीब एक उंगली के बराबर पीस था और ये दोनों खा गए। नज़र मत मारना मेरे क्यूट से रैबिट को, और प्रे करना ये लॉन्ग टाइम तक जिए, क्योंकि इनकी जो आयु होती है लगभग 5 साल 8 साल बताई है मैंने, ऐसे यूट्यूब पर देखा है, मुझे जानकारी नहीं कितनी होती है, बट जितना भी जिए हैं जिनकी जितनी भी है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ भगवान से कि ये लॉन्ग टाइम तक जिए, हैप्पी हैप्पी रहें, मेरे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की इनके लिए, और ये अपने घर में पूरे घर में घूमते रहते हैं, जहाँ मन आता वहाँ सो जाते हैं, मैंने इन्हें वैसे तो सारी फैसिलिटी दे रखी है, अब गर्मी में इनके लिए मैंने मिट्टी की भी व्यवस्था कर दी है, पेटी के अंदर मिट्टी भर दी है, अब जो चाहें तो उसके अंदर भी बैठ जाते हैं कभी कभार, जिनका मन जहाँ होता है ये बेड के नीचे या फिर सोफे के आसपास या फिर फ्रिज के नीचे, जहाँ इनका मन होता है वहाँ लेट जाते हैं। और आने वाले ब्लॉग में और इनकी क्यूट क्यूट वीडियो लेकर